Welcome back. So today's topic is Aristotle's theory of revolution. What is revolution? Revolution means sudden change at bigger level. मतलब what kind of change? मैं आपको एक simple सी example दूंगा. For example, in North Korea, what is there? There is dictatorship. North Korea में dictatorship है. Or if people will come forward and they will start doing protest and all. So they, instead of dictatorship, what they will do? They will switch to democracy. जब वो डेमोक्रेसी वहां पे लाएंगे उसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे. एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चला जाना उसको भी हम रेवोल्यूशन कह सकते हैं. सो एरिस्टोटल के नज़दीक व्हाट इज रेवोल्यूशन? फॉर एरिस्टोटल रेवोल्यूशन इज चेंज एट बिगर लेवल और एट स्मॉल लेवल. दैट इज व्हाट रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट. चाहे बड़े पैमाने पे चेंज हो या छोटे पैमाने पे चेंज हो वो रेवोल्यूशन है. चाहे पीसफुल हो या वायलेंट हो. दैट इज व्हाट रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल कहता है मतलब अगर कहीं पे मोनार्की है, अगर कहीं पे रूल ऑफ वन पर्सन है विच इज नोन एज मोनार्की. सो अगर लोग क्या करेंगे, अभी मैंने एग्जाम्पल दी. फॉर एग्जाम्पल इस मोनार्की को वो पीपल विल कम एंड दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग एंड ऑल. दे विल चेंज द गवर्नमेंट. दे विल स्विच टू डेमोक्रेसी. दे विल स्विच टू डेमोक्रेसी. सो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चले जाना, दैट इज व्हाट रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. एक और अगर दूसरा उस पॉइंट क्या है रेवोल्यूशन का, मान लेते हैं कहीं पे मोनार्की है. मान लो वहां पे किंग वन रूल कर रहा है. लोग मोनार्की से डेमोक्रेसी में स्विच नहीं होंगे, वो चेंज नहीं करेंगे मोनार्की को. बट व्हाट दे विल डू, वो किंग वन की जगह किंग टू ले आएंगे. एक बादशाह की जगह दूसरे बादशाह को इंस्टॉल कर लेंगे. उसको भी एरिस्टोटल ने रेवोल्यूशन कहा है. मान लो अगर तीसरी एग्जांपल देता हूं. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अगर मोनार्की में मान लो ऑफिस है, बहुत से ऑफिसेस होंगे, वन ऑफिस, टू ऑफिस, थ्री ऑफिस. अगर दो तीन साल के बाद मोनार्की में चौथा ऑफिस ऐड होगा या पांचवा ऑफिस ऐड होगा, सो नया ऑफिस किसी सिस्टम में लाना, किसी गवर्नमेंट में लाना, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या मोनार्की हो, या नया विंग लाना वहां पे, उसको भी इसने रेवोल्यूशन कहा. उसको भी एरिस्टोटल रेवोल्यूशन कहता है. सो रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज चेंज, चाहे वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो. छोटे लेवल पे क्या है, मैंने अभी कहा नया ऑफिस अगर इंस्टॉल किया जाएगा या नया ऑफिस को लाया जाएगा, डैट इज ऑल्सो रेवोल्यूशन. So, change at bigger or small level, according to Aristotle, is change. So, according to Aristotle, revolution क्यों होता है? इसने एक common cause दिया है revolution का. इसने कहा है due to the fear of inequality. What kind of inequality? According to Aristotle, there is always fear of inequality, चाहे वो real हो या apparent हो, चाहे inequality हो या ना हो. लेकिन बात हो रही है fear की. अगर लोगों को लगता होगा कि देयर इज इनइक्वालिटी, सो व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट डूइंग दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग और दे विल स्टार्ट चेंजिंग द गवर्नमेंट. सो दैट इज व्हाट रेवोल्यूशन. इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर. मान लेते हैं अगर एरिस्टोक्रेसी रूल कर रहा होगा. एरिस्टोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ फ्यू रिच लोग. जहां रिच लोग इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल काम करते हैं, उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं. लेकिन अगर लोगों को एरिस्टोक्रेसी इज द रूल ऑफ रिच. सो और पुअर लोगों को यह लगेगा कि दे आर नॉट ग्रांटेड इक्वल शेयर ऑफ पावर. उनको यह लगेगा कि जो ये रिच लोग हैं, दे आर नॉट गिविंग देम पावर. सो व्हाट दे विल डू, पुअर विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग एंड दे विल स्टार्ट चेंजिंग दिस गवर्नमेंट. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट काज ऑफ रेवोल्यूशन. सो वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट चेंजिंग द एरिस्टोक्रेसी एंड दे विल स्टार्ट ब्रिंगिंग मतलब वो क्या काम करेंगे, दे विल स्टार्ट टू
bring the democracy. So that is what revolution is all about. So what is the cause of revolution according to Aristotle? Fear of inequality. जब fear of inequality होता है तो inequality with respect to what? Share of political power. So अगर वहाँ पे fear of inequality with respect to share of political power होगा, लोग क्या करेंगे? लोग बगावत करेंगे. So एक cause. दूसरा cause ये है. दूसरा cause ये है revolution कब होता है. Second cause is monarchy जो है, monarchy हो गया rule of one. अगर वो लोगों के फेवर में काम कर रहा होगा then there is no objection. लेकिन अगर monarchy self interest के लिए काम करेगा, अपने लिए काम करेगा, अपने फायदे के लिए रूल करने लगेगा, अपना पैसा कमाने के लिए रूल करेगा, अरिस्टॉटल उसको कहते हैं टिरेनी. सो जब मोनार्की टिरेनी में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो अपने लिए काम करना शुरू करेगा, अरिस्टॉटल कहता है कि व्हाट पीपल विल डू, दे विल स्टार्ट रिवॉल्ट. सो वो क्या करेंगे? दे विल ब्रिंग रेवोल्यूशन, दे विल चेंज दिस टिरेनी एंड दे विल ब्रिंग अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और दूसरा काज क्या है रेवोल्यूशन का? दूसरा काज ये है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. अगर लोगों को ये लगेगा कि वेल्थ जो है वो ओनली फ्यू पीपल्स आर इंजॉइंग. मान लो 10,000 लोगों में अगर 1,000 ही लोग वेल्दी होंगे, सो लोग क्या करेंगे? दे विल फील जेलस, दे विल फील दे आर there is inequality of wealth. So they will start वो protest करने लगेंगे, वो बगावत करने लगेंगे और they will bring revolution. हो सकता है वो wealth को equally distribute करेंगे, हो सकता है वो aristocracy जिनके पास सबसे ज़्यादा wealth है उससे wealth छीन के खुद में बांट देंगे. ये भी एक cause है revolution का, ये भी एक cause है revolution का. और उसके बाद एक और काज है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ रूल ऑफ मनी पुअर. बहुत से लोग जब रूल करते हैं, बहुत से गरीब लोग जब रूल करते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल, आज की डेमोक्रेसी से कंफ्यूज नहीं होना है. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, रूल ऑफ फ्यू मनी पुअर. सॉरी, रूल ऑफ मनी पुअर इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल. अच्छा, जब ये रोल करेंगे, अगर बाकी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को, चाहे अपर क्लास मान लेते हैं, रिच क्लास ऑफ सोसाइटी को ये लगेगा कि दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देम एट इक्वल फूटिंग, सो वो भी बगावत करना शुरू कर देंगे. सो एक काज है रेवोल्यूशन का इग्नोरेंट ऑफ रूलिंग क्लास. कौन सी रूलिंग क्लास? जो पुअर लोग जो रूल करते हैं, उसकी वजह से भी रिच लोग जो हैं वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं, इफ दे विल थिंक कि दे आर नॉट गिविंग देम इक्वल शेयर ऑफ पावर. और एक काज है रेवोल्यूशन का, दैट इज करप्शन. अगर रूलिंग क्लास करप्शन करना शुरू करेगा, सो वो भी एक काज बनता है रेवोल्यूशन का, लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और गवर्नमेंट चेंज कर लेंगे. दैट इज आल्सो द वन काज ऑफ रेवोल्यूशन. सो करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है. उसके बाद है इनफ्लो ऑफ फॉरनर्स. अगर एलियन लोग, मैंने थियरी ऑफ सिटीजनशिप में करवाया है कि ये कहता था कि फॉरनर्स को मतलब राइट, पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाने चाहिए, सिटीजनशिप नहीं दी जानी चाहिए. क्यों? ये कहता था कि अगर बहुत ज़्यादा फॉरनर किसी कंट्री में इंडक्ट होता है तो दे फील इनसिक्योर, जो वहाँ के नेटिव्स हैं वो इनसिक्योर करते हैं और उसकी वजह से भी रेवोल्यूशन आता है, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है. सो जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा फॉरनर का इनफ्लो रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहां पे भी रेवोल्यूशन आ सकता है. ये फैक्ट है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा यूएसए में मतलब इंडियंस लोगों को, बड़े इंडियंस लोगों को मार दिया गया है. क्यों? क्योंकि वो यूएसए के मतलब नेटिव्स हैं, वो ये समझते हैं
कि इंडियंस लोग जो हैं वो उनकी जॉब ले लेते हैं. सो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट किलिंग द इंडियन पीपल. चाहे इंडियन हो, अरेबिक हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी लोग को वो मारना शुरू कर देते हैं. सो ये एक फैक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा फॉरनर आते हैं तो वहाँ पे रेवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट द रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट. व्हाट इज़ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन इज चेंज. सो व्हाट इज चेंज? चेंज एट बिगर लेवल आर एट स्मॉलर लेवल. व्हाट काइंड ऑफ चेंज? चेंज इन गवर्नमेंट आर ब्रिंगिंग न्यू ऑफिस इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम. दैट इज़ व्हाट रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा. यहाँ पर आप समझ लिया करो और नोट्स पे आपको आसानी हो जाएगी, बिल्कुल आसानी हो जाएगी. आई गारंटी, अगर आपको मेरे लेक्चर, इफ़ यू विल गो थ्रू माई लेक्चर, आई गारंटी आप चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होंगे, चाहे कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे होंगे, चाहे नेट लेवल पे पढ़ रहे होंगे, यू विल फील आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी. आप कोई भी मटेरियल मार्केट से उठा के लें, आप पढ़ें, आपको खुद ब समझ आने लगेगा. एनी हाउ, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया. रेवोल्यूशन को इसने कहा है कि वो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं. कैसे हम रोक सकते हैं रेवोल्यूशन को? इक्वल शेयर ऑफ पावर देना है लोगों को. अच्छा, करप्शन नहीं होनी चाहिए. ये है कुछ जनरल काज जिसकी वजह से हम रेवोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो इट वॉज, दिस वॉज टूडेज टॉपिक. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी थिंग इन क्रिस्टल क्लियर वे. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.